शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाकी रहा एक कैंडिडेट, उनके अभी प्रपोजर और सेकेंडर नहीं पहुंचे, उनको मैंने अपने ऑफिस में बिठाया, उनको चाय वाय पिलाई है, सैंडविच भी खिलाई है ताकि वो आराम से बैठे। मैं जा रहा हूँ वापस तो जाके नहीं देखे, हमेशा गुडविल गेस्चर रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको हम सही तरह उसको उनका ट्रायल भी करें। आपने कहा था कि मैं बोलिया है ही नहीं शाह साहब। आज एमक्यूएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहफ़ुज़ात का इजहार किया है और वो अपना वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि खामोश रहेंगे, इसी तरह फंक्शनल और मुस्लिम लीग ने भी किया। अब आप बताएं कि आपके लिए क्या अक्षरत आप कामयाब हो जाएंगे सर? इंशाल्लाह कल 3 बजे इजलास बुलाया। थोड़ा भेजा सर, ये बताया मुरादे साहब कल आप एक आदमी बोल ले तो मैं सुन लूंगा। जी मैं ये कौन बोलेगा जी, मैं ये कह रहा था कि कल जब आप लाजमिया पार्टी ने आप पर एतमाद किया है और कल आपको एमपीए एतमाद का वोट भी देंगे, तो क्या कल आप अपना पॉलिसी स्टेटमेंट भी देंगे? क्योंकि कायदे इस सिलसिले में आपके जो दरपेश मसाइल है, क्या रेंजर्स, दूसरे मामला, अमन अमान और सारी चीजें, क्योंकि आज एमक्यूएम ने कहा है कि आप ऐसे हैं ही नहीं कि आपको वोट दिया जाए, उन्होंने कता लाताल की कर दिया। 24 घंटे आपने ये दो आपके सवाल कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। इंशाल्लाह कल 24 घंटे से कम में मैं पॉलिसी स्टेटमेंट दे दूंगा, बाकी किसी और के ख्याल के बारे में वो साहब ये बता। शाह साहब के मुखालफिन कहते हैं कि जो तबाही साईं साहब नहीं कर सके वो नए वजीर आना करेंगे। अरबाब गुलाम रहीम ने ऑफ रिकॉर्ड कहा है कि करप्शन बढ़ेगी, सिंध तबाह होगा, आप क्या कहेंगे? अरबाब गुलाम रहीम ने जो कुछ किया वो सबको पता है। जो कायम अली शाह साहब ने किया है इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि कुछ उनसे सीख के कुछ बेहतरी करूं, लेकिन सिंध में अब मैं वो फिर पॉलिसी स्टेटमेंट में बताऊंगा कि क्या हुआ है 8 साल। साहब ये बताएं कि बिला मुकाबला मुंतखब होने के लिए जो कोशिशें जारी थी क्या वो कोशिशें नाकाम हो गई हैं? नहीं, बिला मुकाबला मुंतखब तो असल में कानून है ही नहीं, इलेक्शन होते हैं हरहाल में, तो ये बिला मुकाबला मुंतखब तो होता नहीं। मुझे हाउस की मेजॉरिटी का वोट लेना है चाहे कोई उम्मीदवार हो या ना हो। तो ये बातें आपको फिर से मैं आपको नहीं, मेरा पर्सनल कोई हुकूमत में लेने का है कोई प्रोग्राम? एमक्यूएम को हुकूमत में लेने का कोई प्रोग्राम है इस वक्त? कोई ऐसी बात नहीं। शाह साहब आपको सियासी विरसे में कराची ऑपरेशन भी मिली है, जब आपके वाल साहब यहाँ पे वजीर आला थे उस वक्त भी कराची में एक ऑपरेशन चल रहा था, अभी भी सूरत हाल कुछ इस तरह है, तो क्या आप सूरत हाल को डिफ्यूज करेंगे या वही आगे बढ़ेगा टकराव? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला कोशिश ये होगी कराची में अमन अमान बरकरार हो और हमारी सिविलियन इदारे इस काबिल हो जाएं कि वो इस सूबे के अमन अमान की लिए खुद से काम कर सके। सवाल है सर, अच्छा सर 8 साल 12।